हर हर गंगे हर हर महादेव। गंगा सिंधु सरस्वती जय यमुना गोदावरी नर्मदा करे सरयू महेंद्र तानिया चरवांबदी धैर्य शिप्रा भेतावत महासुर नदी छाता जय गंडकी पूर्णा पूर्णा चले समंद भेदा पूर्वंद नो जय रन पुण्य दे भांग सनंद रे रा आ हर हर गंगे हर हर महादेव। जय हो कैलाश्वरी हर हर गंगे हर हर महादेव। हर गंगे हर महादेव। ओम नमो नारायण नमो नारायण ओम ओम गंगे हर महादेव हर 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 गंगे हर महादेव। ओम आत्मा का हेली के क्रीम हर हर गंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आदेश दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अभी पिछले दिनों भारत में एक पाकिस्तान में केपी के प्रोविंस के जिला कर्क में एक मंदिर को तोड़ा गया, तो मुझ जैसे बड़े लोगों को बड़ा दुख हुआ और हम लोगों ने बड़ा इस पे शोर मचाया कि देखें ये पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी बर्बरियत हो रही है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसी के अगले दिन भारत के स्टेट आंध्र प्रदेश में भगवान राम का सर तोड़ा गया, बुद्ध का, और एक जगह एक और भगवान के हाथ तोड़े गए, और कहीं किसी मंदिर में स्वामियों को बंद किया जा रहा है। कहीं एक जगह आंध्रा में ये चीज़ भी देखने में आई कि एक मंदिर में चर्च का प्रोसेशन हो रहा है, क्रिश्चियनिटी का प्रोसेशन हो रहा है, और जिस पुजारी ने आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको बड़ा वो किया गया, प्रोसिक्यूशन की गई और उनको धमकियां दी गई और उनको रोका गया। मतलब एक अजीब सूरत हाल थी। ఎందుకు అవసరం లేదు చెప్పు నాకు తెలీదా కళ్ళు కనపట్ల ఎవరు అడిగింది ఎవరో చెప్పింది ఇక్కడ నీకు చేసుకోమని మరి దేవాలయం తెలియదు అంటున్నావు కదా దేవాలయం తెలియదు అన్నావా లేదా ఎవరు వాళ్ళు ఎవరో రా పోదాం రా పూజారిని కాదు నేను నేను ఎందుకు చెప్పాసు నువ్వు చేయకూడదు అన్నాను నువ్వు వినాలా అంతవరకే వాళ్ళు చెప్పాము వీళ్ళకి చెప్పాము అంటే మాకు తెలియదు ఇది గుడి అని తీసుకో నాకేం భయమైంది నేనేమి ఈ దేశం వాడిని కాకుండా ఈ దేశ పౌరుని కాకుండా పోలా నువ్వు తీసుకో వీడియో సరే చెయ్యి నువ్వు వీడియో తీ మాలేసుకోకుండా మామూలుగా నువ్వేట ప్రార్థన ఎట్ట చేస్తున్నా వీడియో తీరా నేను మాట్లాడుతున్నా कि हम हैरान हो रहे थे कि चले पाकिस्तान जैसे देश में तो हिंदू
माइनॉरिटी में है तो वहाँ पे समझ में आता है कि एक इस्लामिक टेररिस्ट स्टेट है पाकिस्तान, और जो कि हिंदुओं के खिलाफ ये परसिक्यूशन जारी रखता है, इसको अपना मजहबी फरीजा समझ के। लेकिन ये भारत जैसे देश में जहाँ पे 85% हिंदू रहते हैं, जहाँ पे ये मेजॉरिटी में है, वहाँ पे ये चीज़ें इतने परसिस्टेंटली हो रही हैं कि दुनिया के किसी इस्लामिक स्टेट में भी इतना हिंदुओं का परसिक्यूशन नहीं हो रहा होगा। ख़ास तौर पे सुना है आंध्र प्रदेश में तो ये दर्जनों ऐसे वाक़यात हो गए हैं। कल रेड्डी साहब आंध्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको एडमिट किया और उन्होंने कहा कि हाँ, आंध्र में एक सिस्टमेटिक एंटी हिंदू एक्टिविज़म बढ़ गया है और ये वो। तो भाई साहब, आपको फिर ये कुछ करना होगा ना, क्योंकि आप आफ्टर ऑल CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वहाँ पे अवेसियों और इस टाइप के लोगों का मतलब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू जो कि वहाँ पे एक पीसफुल कम्युनिटी है, मेजॉरिटी में है, पीसफुली अपनी रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करती है, तो उनके साथ ये परसिक्यूशन हो रहा है। इवन मैं हैरान हूँ कि लास्ट वीक दिल्ली के चांदनी चौक में एक पुराना मंदिर, उसको तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल साहब, ज़रा ये बताएं कि आपको ये मस्जिदें, ये मज़ार नज़र नहीं आ रहे आपको? पूरे भारत में चप्पे चप्पे में, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र मुंबई में आपको बेशुमार ऐसे देखें। ये वाली मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये सीधा सीधा इंक्रोचमेंट का केस है, ये इनलीगल इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है कि एक रोड सीधा जा रहा है, बीचों बीच मस्जिद है, यूं रोड टर्न हो रही है और आप क्रॉस करके जा रहे हैं, ये क्या है? और कोई किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि इन चीज़ों को हाथ लगा ले? हिस्टोरिकल तारीखी राम जन्मभूमि मंदिर को जब बाबरी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, उसको वापस लेने के लिए आपको 1000 साल लग गए। उसको वापस लेने में आपने पूरी दुनिया आपके ऊपर शोर मचाती रही, इवन आपके हिंदू भी, अपोलोजेटिक हिंदू जिसको मैं कहता हूँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि उनको कम्युनिस्ट कहो, इनको लिब्रांडूस कहो, लेकिन जो भी हैं आफ्टर ऑल वो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, तो ऐसे लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन चांदनी चौक में एक पुराना मंदिर है, उसको बुलडोज किया जाता है और पूरा भारत खामोश है।
अपोलोजेटिक हिंदू उस वक्त कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन इसकी जगह आप एक इल्लीगल मस्जिद को तोड़ देंगे तो आपके ऊपर क्या कयामत आएगी ये आपको भी अच्छी तरह पता है। एक इल्लीगल मस्जिद टूटेगी तो अमरीकी कांग्रेसों में बात हो रही होगी, भारत के यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट इस पर बोल रही होगी, कनाडा की पार्लियामेंट बोल रही होगी, पूरी दुनिया उस पर शोर मचाएगी, इमरान खान जैसे टट्टू आ जाएंगे शोर मचाने के लिए। लेकिन मंदिर टूटता है तो सबसे बड़ी बदकिस्मत ये है कि आपके हिंदुओं को ही कोई मसला नहीं होता। आप कब तक ये अपोलोजेटिक चीज़ें चलाते रहेंगे भारत में? भारत में हिंदुओं की परसिक्यूशन, ये सबसे हैरानी की बात है कि फिर हिंदुओं के पास कौन सा ऐसा देश रह जाता है जाने के लिए, कौन सी ऐसी जगह रह जाती है कि जहाँ पे जाके ये पनाह लें, कहाँ जाके ये अपने मज़हबी फरीज़े अदा करें, कहाँ जाके ये अपनी पूजा पाठ करें, कि जब इनके अपने देशों में, इनके अपने स्टेट्स में, चाहे वो केरला हो, केरला में आप देख लें फोर्स्ड कन्वर्जन जारी है, पाकिस्तान का आप रोनर होते हैं, ये फिर केरला जैसे स्टेट में 6000 लोग कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम की तरफ, जिसमें से 80% हिंदू हैं। तो केरला की डेमोग्राफी ही चेंज करके रख दी गई है, हिंदूज आर बिकमिंग माइनॉरिटी। आप दूसरे स्टेट्स में चले जाएं, आंध्रा को देख लें आप, तेलंगाना को देख लें आप, वेस्ट बंगाल को देख लें आप, आसाम को देख लें, मतलब बड़ी तेज़ी से वहाँ पे हिंदुओं को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से वहाँ पे हिंदूज आर फेसिंग परसिक्यूशन और कोई इनके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये कहाँ जाके फिर अब अपना मज़हबी फरीज़ा अदा करें? एक तरफ ये हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे अपना टैक्स दे रहे हैं, जजिया दे रहे हैं, मुग़ल चले गए लेकिन जजिये कायम हैं मुख्तलिफ शक्लों में। पूरे इस्लामिक सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने में हिंदुओं का किरदार है, हिंदुओं का ये हलाल सर्टिफिकेशन पे टैक्स है। दूसरी तरफ मदरसों को, मस्जिदों को रन करने के लिए जो इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, जो इनको अपीजमेंट की जाती है, जो इनको सब्सिडियां दी जाती हैं, हज के लिए सब्सिडी हो, रमज़ान के लिए सब्सिडी हो, तो हिंदू टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल होता है कि मुसलमान टैक्स पेयर तो ना होने के बराबर हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं जबकि हिंदुओं का ना कोई स्कूल होता है, मदरसे होते हैं मुसलमानों के, हिंदुओं के लिए धर्म की शिक्षा देने के लिए कोई स्कूल नहीं होता, हिंदुओं को कोई टैक्स पेयर से पैसा नहीं मिलता, हिंदू मंदिरों से तो पैसे लिए जाते हैं, हिंदू मंदिरों को पैसा दिया नहीं जाता। मैं हैरान हूँ कि अयोध्या जैसा राम जन्मभूमि है उसके मंदिर के लिए डिवोटीज़ जो हैं, हिंदू डिवोटीज़, वो दुनिया में जगह जगह चंदा जमा कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए सरकार भी मदद कर रही है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी मदद कर रहे हैं, जबकि राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए गली गली में लोग चंदे जमा कर रहे हैं। और किस तरह एक ये सारी सूरत हाल है कि आपको ये है कि अपने धर्म की खिदमत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए आगे बढ़ के काम करना होगा। मंदिरों को तोड़ा जाना, भगवानों की बेइज्जतियां करना, देखें एथेइस्टों के खिलाफ भी मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि यू हैव एवरी राइट टू बिलीव, नॉट बिलीव ऑन एनी गॉड, बट देन अदर्स हैव ऑल्सो राइट टू बिलीव ऑन एनी गॉड। तो ये है कि एथेइस्टों ने तो फर्ज बनाकर रख लिया है, ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि 24 घंटे इनका एक ही काम है कि ह्यूमिलिएट करो सबके भगवानों को, सबके खुदाओं को। तो ना चार्ली हेब्दो को, ना किसी एथेइस्ट को ये हक है कि वो किसी भी धर्म की, लोग भगवानों की बेइज्जतियाँ करें। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। तो पाकिस्तान, इंडिया में इस वक्त जो भगवानों के खिलाफ जो मूवमेंट चली है, जो मंदिरों के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं, आज मुझे जैसे एक साहब ने ये वीडियो भेजी है कि एक मंदिर है, इसकी चार दीवारी है, चार दीवारी के अंदर मस्जिद है। सभी को जय श्री राम, मेरा नाम हरीश राम कली है, गांव कंडेला, जिला जींद के अंदर गांव कंडेला है, बड़ा विख्यात गांव है और जिला हरियाणा स्टेट है, हरियाणा के अंदर जिला जींद गांव कंडेला। हजारों साल पुराना मंदिर है माता जी का, हजारों साल,
और इसकी चार दीवारी एक बार दिखाएंगे आपको। इसमें बड़ा ही हिंदुओं के लिए शर्मनाक कार्य कर दिया गया था। भाई रुको, माता मंदिर दिखा। हजारों साल माता का मंदिर है, श्याम जी का मंदिर है। इसके अंदर आओ दिखाते हैं क्या बना दिया गया। आओ अनूप, करो कार्रवाई, लेकर आम करना। ये है सुल्तान पीर मुसलमानों का, जिन्होंने हिंदुओं की बेटियों से बलात्कार किए, हिंदुओं के मां बहनों के साथ दुराचार किए, हिंदू योद्धाओं को मौत के घाट उतारा। आज बजरंग दल की टीम अपने हथियारों के साथ, एक बार दिखा चादर दिखा, 786 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर लिख रखा 786। ये हिंदुओं के द्वारा देख लो मंदिर में काम क्या पीरों का और मजारों का। माता का मंदिर, हिंदू माता का मंदिर और मजारों का और पीरों का काम क्या। आज ये इतना शुभ दिन, आज बजरंग दल की टीम द्वारा, गांव के युवा साथियों के द्वारा चालू कर दिया गया है। एक बार देव राम का नाम, चलो जय करो वीर बजरंगी, जय श्री राम। ये अपने सोमवीर पहलवान है गांव पढ़ाना से बजरंग दल के सुरक्षा। ये गांव कंडेला के अंदर ये कलंकित होने वाला स्थान है, हिंदुओं की मां बेटियों के साथ सभी साथी जागरूक हो जाओ, ये समय जागरूक होने का है। और आने वाला भयानक टीम आपके नजदीक खड़ा है, आपको घर के सामने ललकार रहा है। आज तो आपके गांव में बनने लगे, कल आपके घर में ही बनेंगे। अब उसका आप क्या करोगे? तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे कहनी थी। भारत में हिंदुइज्म बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को, भारत के लोगों को और ख़ास तौर पे भारत के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनको आगे बढ़ के आना होगा, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं चाहे वो कोई चीज़ हैं। आमिर खान जैसा सेलिब्रिटी तो जब देखो जाता है, हज करने जाता है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के मौलानाओं से गले मिलता है, उनके आगे अदब बना के बैठता है। भारत के दुश्मन तुर्की, उसके सदर से मिलता है तो वो अपने धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन हिंदू सेलिब्रिटीज़ कभी आगे बढ़ के अपने धर्म की खिदमत में, पता नहीं क्यों इनको शर्म आती है। तो कम फॉरवर्ड, ये बहुत ज़रूरी है आपके धर्म को बचाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ के अपने धर्म, अपने देश की हिफाजत करें। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। और सच का सफ़र जारी रहेगा। थैंक यू। ये आप जो सामने देख रहे हैं पूरा नज़ारा, ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर का स्थान है पुष्कर। और ये कुख्यात आतंकवादी, आतताई, विधर्मी, पिशाच, नराधर्म, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन हरामखोर चिश्ती की दरगाह से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हिंदू उस आतताई, अत्याचारी, दहशतगर्द आतंकवादी की कब्र में, जिसको कीड़े खा गए सड़े हुए, उसकी मजार पर जाते हैं और चादर चढ़ा के आते हैं और करोड़ों रुपए का वहां पर फंड देते हैं। और ये स्थिति देखिए आप, यहां पर पुष्कर पर कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई धार्मिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा नहीं, लेकिन यहां से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरी दुनिया का हिंदू समाज
सेकुलर हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और अरबों रुपए का डोनेशन देता है और वो डोनेशन फिर देश विरोधी गतिविधियों में लगता है। इसलिए मेरा पूरे भारत के नहीं पूरी दुनिया के लोगों से जो आतंक के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पुष्कर आइए। पुष्कर में आप आएंगे तो वो पैसा देश धर्म और अच्छे कार्यों में समाज सेवा के कार्यों में जाएगा। और आप अगर अजमेर जाते मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे राक्षस की कब्र पर तो आपका पैसा देश के विरोध में लगने वाला है, ये आप लिख करके रख लीजिए। और ये आतताई दहशतगर्द आपके घरों में घुस जाएंगे एक दिन। इसके लिए एक भी चवन्नी हरी चादर पे मत पटकना, एक चवन्नी तक, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए का जो आप फंड देते हैं वो पुष्कर में दीजिए। पुष्कर में आइए, यहाँ पर कोई मुसलमान दिखता है आपको? एक कठमुल्ला कट्टरवादी मौलवी आपको यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन करोड़ों हिंदू समाज के माँ बहन बेटियाँ और भाई लोग वहाँ पर जाकर के हरी चादरें चढ़ाते हैं और वो एक एक चादर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अजमेर नहीं जाइए, पुष्कर जाइए। अगर इनमें इतना एकता का भाव है, समभाव है, एक दूसरे के देवताओं के प्रति आस्था का भाव है, श्रद्धा का भाव है।